नौजवान तो पढ़ लिख लेते हैं इस ख्वाहिश में कि चलो हमको आगे चल के रोजगार मिलेगा, लेकिन हमारे देश में जो सरकार आती है रोजगार का तो लॉलीपॉप चुनाव के समय दे देती है, लेकिन रोजगार मिल नहीं पाता। और खास तौर पर इस मरतबा का जो भी नौजवान है वो सिर्फ और सिर्फ रोजगार के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन को वोट करने जा रहा है। बिल्कुल बह रही है, बस सिर्फ इलेक्शन का दिन आने की जरूरत है। जिस दिन इलेक्शन का दिन आ गया, आप 4 तारीख को देख लीजिएगा, 4 जून को, कि बिहार एकदम बिल्कुल ही बह रही है। जी बिल्कुल, इस बार चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का। जी, इस बार क्या मुद्दा है? इस बार लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, खास तौर पे नौजवानों का। नौजवानों में भारत की आधा से ज़्यादा आबादी नौजवानों की है, और नौजवान तो पढ़ लिख लेते हैं इस ख्वाहिश में कि चलो हमको आगे चल के रोजगार मिलेगा, लेकिन हमारे देश में जो सरकार आती है रोजगार का तो लॉलीपॉप चुनाव के समय दे देती है, लेकिन रोजगार मिल नहीं पाता है। और ख़ास तौर पर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो तो 2014 में इतना बेहतरीन लॉलीपॉप दिए थे कि प्रत्येक साल देश के 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन वो तो लोगों ने खूब बढ़ चढ़ के उनको वोट दिया 14 में, वो तो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन 10 साल हो गए। अगर 10 साल में अगर 1 करोड़ भी अगर लोगों को रोजगार दे देते तो इस समय जो देश की स्थिति बनी हुई है, नौजवानों में खास तौर पर जो स्थिति बनी हुई है कि हमारे प्रधानमंत्री आए तो हम तो उसको वोट दे दिए, लेकिन जो हमारा जो रोजगार का मुद्दा उसको बिल्कुल ही भूल गए। तो इस मरतबा का जो भी नौजवान है वो सिर्फ और सिर्फ रोजगार के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन को वोट करने जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या आप देख रहे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में हम ये देख रहे हैं कि हमारे पुपरी अनुमंडल में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। जो हमारे अभी के जो 2024 में अर्जुन राय जी लोकसभा के उम्मीदवार हैं, वो हर जगह यही बोल रहे हैं कि इस मरतबा अगर हम जीत गए तो पुपरी अनुमंडल में भी एक डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। और हमको उनकी बातों पर पूरा विश्वास है कि अगर वो जीत गए तो ज़रूर कोई ना कोई डिग्री कॉलेज खुल जाएगा। तेजस्वी यादव भी दावा कर रहे हैं रोजगार देने का, आपको क्या लग रहा है? जी, उनकी बात में तो बिल्कुल सच्चाई है। वो 2020 के विधानसभा चुनाव में बोले थे कि हर साल मतलब हम 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन उनके सरकार नहीं बन पाई, लेकिन किसी कारण उनकी सरकार 17 महीने बनी, लेकिन उन लोग 17 में जैसे ही उसकी सरकार बनी सबसे पहले उन्होंने सारा काम छोड़ करके युवाओं को रोजगार देने का काम किया, और 17 महीने में 5 लाख नौजवानों को रोजगार दे करके दिखा दिया है कि नहीं, कि अगर ईमानदार सरकार आएगी तो किस तरह से लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि इस बार सीतामढ़ी में बदलाव की बहर बहेगी? बिल्कुल बह रही है, बस सिर्फ इलेक्शन का दिन आने की जरूरत है। जिस दिन इलेक्शन का दिन आ गया, आप 4 तारीख को देख लीजिएगा, 4 जून को, कि बिहार एकदम बिल्कुल ही बह रही है। अर्जुन राय जीत जाएंगे इस मरतबा। श्री जानकी ट्रेडर्स कुप्पी की ओर से आप सभी ग्राहकों का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ बिल्कुल, श्री जानकी ट्रेडर्स कुप्पी की ओर से सभी ग्राहक बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन है। सुनिए, तो अब घर है अगर सजाना तो अब ना कोई बहाना, श्री जानकी ट्रेडर्स है ना? क्या? जी हाँ बिल्कुल, श्री जानकी ट्रेडर्स सीताराम सुपरमार्केट सिनेमा हॉल के निकट पुपरी। घर सजाने में क्या क्या मिल जाएगा यहाँ ये तो बताइए? यहाँ मिलेगा सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट कई रंगों में, ओरियंट टाइल्स और भी ब्रांडेड टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग मतलब नल संबंधी सभी सामान, सीट, साइफन, कमोड, फेरीवेयर कंपनी का ओरिजिनल, 7 साल की गारंटी वाला ARK ब्रांडेड कंपनी का नल भी प्राप्त करें श्री जानकी ट्रेडर्स पुपरी। और भी बहुत सारे सामान मतलब मकान सजाने संबंधी सभी सामान यहाँ उपलब्ध है। सामान तो मिल जाएगा, लेकिन लगाने वाला मिस्त्री कहाँ से लाओगे? सभी मिस्त्री श्री जानकी ट्रेडर्स में ही मिल जाएगा, जो काम भी अच्छा करता है और पैसे भी कम लेता है।